चंडीगढ़ में सरकारी नौकरी की मांग पर कई पैरा एथलीट ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर ये सभी खिलाड़ी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर पहुंचे, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक लिया। इसके बाद सभी पैरा एथलीट ने वहां सड़क पर धरना देने की योजना बनाई। फिर पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और उन्हें जबरन वहां से हटाने की कोशिश शुरू कर दी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी देर तक खींचतान चलती रही, लेकिन प्रदर्शनकारी सड़क पर डटे रहे। दिव्यांग खिलाड़ियों के साथ पुलिस का ऐसा सलूक देखकर वहां मौजूद मीडिया वालों ने सवाल खड़े किए, जिस पर पुलिस कुछ देर पहले की गई कार्रवाई से पलट गई। कुछ नहीं कह रहे, आराम में बिठा रहे। प्रदर्शन करने पहुंचे खिलाड़ियों ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद पंजाब सरकार ने उन्हें सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन आरोप लगाया कि 4 साल बीत जाने के बाद भी सरकार का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। दिव्यांग खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन में बरनाला से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरमीत सिंह भी शामिल हुए, जिनके पहुंचते ही प्रदर्शन वाली जगह पर माहौल गर्मा गया। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में गुरमीत सिंह ने वहां जोरदार हंगामा किया और उनके समर्थकों की पुलिस के साथ काफी देर तक धक्का मुक्की भी हुई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने गुरमीत सिंह और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया। सभी लोगों को वहां खड़ी पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया। हालांकि हिरासत में लिए जाने के बाद भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार अपने विधायकों के बेटों को तो सरकारी नौकरी दे रही है, लेकिन देश के लिए मेडल जीतने वालों की उसे परवाह नहीं है। और इसी आरोप को प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा बनाते हुए कई दिव्यांग खिलाड़ी अपने मेडल वापस करने के लिए सीएम आवास के बाहर पहुंचे। शुरुआत में वहां पहुंचकर उन्होंने कुछ देर सड़क पर मार्च भी निकाला। और 4 साल बाद भी नौकरी की मांग पूरी न होने पर पंजाब सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। जो खेल अवार्ड, महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड जो सीएम साहब की तरफ से दिया गया था, उनको ये लौटाना चाहते हैं। हंगामे से पहले सभी लोगों ने नारेबाजी कर मुख्यमंत्री के खिलाफ गुस्सा भी जाहिर किया। बताया गया कि इस प्रदर्शन में पुलिस के साथ हुई हल्की धक्का मुक्की में कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आईं और कुछ दिव्यांग खिलाड़ियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। इस पूरे हंगामे के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन खिलाड़ियों के एक दल को बातचीत के लिए बुलावा भेजा और उनके बुलावे पर 5 खिलाड़ियों का दल मुख्यमंत्री से मिलने गया। बताया गया कि खिलाड़ियों से उनकी मांगों की चिट्ठी लेने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें भरोसा दिया कि कैबिनेट की अगली बैठक में दिव्यांग खिलाड़ियों की नौकरी के मुद्दे को हल कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद हिरासत में लिए गए बाकी दिव्यांग खिलाड़ियों को भी पुलिस ने छोड़ दिया। सौबात की एक बात यह कि पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों और एथलीट को नौकरी देने का वादा किया था, उसी की याद दिलाने और अपनी नाराजगी जताने के लिए एक दर्जन पैरा एथलीट सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर जा रहे थे। उन्हें पहले तो पुलिस ने बलपूर्वक रोका और जब बात आगे बढ़ी तो पंजाब के सीएम ने इस मामले में खेल विभाग को तुरंत नीति बनाने का निर्देश जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौत पर लोगों ने दिल्ली आगरा हाईवे को जैम कर खूब हंगामा किया। बताया गया कि दिल्ली से आ रही एक गाड़ी ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद आसपास के लोग भड़क गए और उन्होंने उस गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस बीच जब वहां पहुंची पुलिस उस गाड़ी के ड्राइवर को अपने साथ ले जाने लगी तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो उसे खुद पीटना चाहते थे, लेकिन पुलिस वालों ने किसी तरह आरोपी ड्राइवर को भीड़ के चंगुल से छुड़ा लिया और उसे लेकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने उसका पीछा किया और उन पर पत्थर भी बरसाए। इस हमले में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए, लेकिन फिर भी वो आरोपी को गाड़ी में बैठाकर वहां से चले गए। बाद में पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल वहां पहुंचा, तब जाकर लोग शांत हुए। थोड़ा ही पत्थर भी चले हैं, जिसमें हमारे 1-2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस हंगामे की वजह से हाईवे पर जैम लग गया। सौभाग्य की एक बात यह कि ऐसे हादसे हम लोगों के हंगामा मचाने से नहीं बंद होने वाले, क्योंकि हाईवे पर ऐसे जानलेवा हादसों के जिम्मेदार तो हम खुद ही हैं, जिन्हें मालूम है कि दिल्ली मथुरा हाईवे पर जगह जगह गांवों की सड़क भी जुड़ती है, लेकिन तब भी न तो हाईवे पर गाड़ी चलाने वालों को गांव की तरफ से आने वाले दिखते हैं और ना ही गांवों से हाईवे पर जाने वालों को दाएं बाएं रखने का होश रहता। पटना में विजिलेंस डिपार्टमेंट की टीम ने मुजफ्फरपुर के डीटीओ के घर और दफ्तर पर छापा मारा और लाखों रुपए कैश बरामद किए। डीटीओ रजनीश लाल के पास आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत की गई थी, जिसके बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट की टीम ने उनके घर पर छापा मार दिया,
जहां से 1-2 हजार रुपए नहीं बल्कि लाखों रुपए बरामद हुए। ये नोट जब टेबल पर रखे गए तो आंखें फटी की फटी रह गईं। इसके अलावा गहने और बाकी कीमती चीजें भी जब्त की गईं। तलाशी के दौरान करीब 50 लाख रुपए नगद बरामद की गई है और कुछ आभूषण वगैरह बरामद किया गया है। रजनीश लाल इस समय मुजफ्फरपुर के DTO तो है ही, साथ ही उन्हें छपरा का प्रभार भी सौंपा गया है। और शिकायत मिलने के बाद उनके पटना के चारों ठिकानों पर कार्रवाई की गई, जिनमें पटना के कंकड़बाग के घर समेत 3 ठिकाने शामिल हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में भी उनके ठिकानों पर रेड पड़ी। उन पर आय से अधिक संपत्ति के इस आरोप को कुछ दिन पहले के फर्जी रजिस्ट्रेशन कार्ड के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। मुजफ्फरपुर के DTO कार्यालय से कुछ दिन पहले फर्जी रजिस्ट्रेशन कार्ड बरामद हुए थे। इसके अलावा वहां से गाड़ियों की खरीद फरोख्त में इस्तेमाल हुए फर्जी दस्तावेज भी मिले थे। सौबात की एक बात यह कि घर में कितना पैसा नकद रखा जा सकता है इसकी कोई सीमा तय नहीं है, लेकिन घर में रखे कैश का हिसाब किसी से भी मांगा जा सकता है और मुजफ्फरपुर के DTO के लिए 40-50 लाख कैश का हिसाब देना आसान नहीं होगा, जिन पर भ्रष्टाचार से पैसे कमाने का शक पहले से था, तभी तो विजिलेंस की टीम ने छापा मारा। जबरन धर्म परिवर्तन केस में यूपी पुलिस को इस रैकेट के आतंकी संगठन से जुड़े होने के सबूत मिलने की खबर। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि इस मामले में यूपी ATS को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, जिसके सबूत हाथ लगने के बाद जांच और तेज कर दी गई। बताया जा रहा है कि CM योगी आदित्यनाथ खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए और उन्होंने जांच एजेंसियों को कड़ी कार्रवाई के लिए कहा। सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला कि पकड़े गए आरोपी उमर गौतम ने केंद्र शासित प्रदेशों समेत 24 राज्यों में लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया और इसी जांच के दौरान यूपी पुलिस को उमर के 150 सहयोगियों की जानकारी भी हाथ लगी, जिनको पकड़ने के लिए राज्य के अलग अलग जिलों की पुलिस को इनकी लिस्ट सौंप दी गई। साथ ही आरोपी उमर गौतम की जान पहचान वाले लोगों से भी पूछताछ तेज कर दी गई। उत्तराखंड के रुड़की से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां ग्राम पंचायत की जमीन से कब्जा हटाने गई प्रशासन की टीम का गांव के कुछ लोगों ने विरोध किया। बताया गया कि उन लोगों को जमीन खाली करने के लिए कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन जब वो लोग नहीं माने और उस जगह पर रहने पर अड़ गए, तब पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने के लिए उन पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। इस बीच कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में कुछ पुलिस वालों ने भी उन पर पत्थर फेंके, जिससे बचने के लिए वो लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और कई लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहीं कुछ महिलाएं इसके बाद भी वहां से हिलने का नाम नहीं ले रही थी, उन पर भी सख्ती बरती गई और एक एक कर उन्हें ग्राम पंचायत की जमीन से उठाकर दूर ले जाया गया। शरारती तत्वों के द्वारा मारपीट भी करने की कोशिश की गई, कार्य को रोकने की कोशिश की गई और कुछ पथराव भी किया गया। बाद में खुदाई करने वाली एक मशीन को लाकर पुलिस ने उस जमीन को खुदवा दिया। इस हंगामे में गांव के कई लोगों के साथ कुछ पुलिस कर्मी भी घायल हो गए। सौबात की एक बात यह कि जमीन पर कब्जा करने वाले हमारी आपकी भावनाओं को भी अपना हथियार बना लेते हैं, इसलिए वो जिस जमीन को हड़पना चाहते हैं वहां छोटा बड़ा धर्मस्थल बना देते हैं। और रुड़की में तो आरोप है कि पंचायत के तालाब को पाट कर वहीं मूर्ति लगाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे रोकने पर पूरा गांव आस्था के नाम पर भड़क गया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में बन रहे एयरपोर्ट के नाम पर विवाद बढ़ गया। एयरपोर्ट का नाम किसान नेता रहे DB पाटिल के नाम पर रखने की मांग करते हुए कृति समिति नाम के संगठन के हजारों कार्यकर्ताओं ने नवी मुंबई की तरफ कूच किया और वहां पुलिस के रोकने पर एक जगह डेरा डाल दिया। ड्रोन कैमरों से ली गई तस्वीरों में वहां सड़क पर हजारों प्रदर्शनकारी नजर आए। इससे पहले हाथों में अपने संगठनों के झंडे लिए महाराष्ट्र के कई जिलों से हजारों प्रदर्शनकारी नवी मुंबई पहुंचे। इस प्रदर्शन में कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया गया। एक दूसरे से 2 गज की दूरी तो बहुत दूर की बात, हजारों की भीड़ में कई लोगों के चेहरे पर मास्क तक नहीं दिखा। तीसरी लहर की चेतावनी पहले से महाराष्ट्र सरकार ने दे दी है, लेकिन हजारों की तादाद में लोग यहां पर पहुंच चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए नवी मुंबई की सड़कों पर भारी तादाद में पुलिस कर्मी भी उतारे गए। शहर की कुछ सड़कों को एहतियात के तौर पर बंद भी किया गया, जिससे गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। नवी मुंबई के एयरपोर्ट के मुद्दे पर काफी वक्त से विवाद चल रहा है और इस मुद्दे पर BJP और शिवसेना पहले ही आमने सामने आ चुके हैं। असल में शिवसेना नवी मुंबई में बन रहे एयरपोर्ट का नाम बालासाहेब ठाकरे के नाम पर रखने का ऐलान कर चुकी है, जबकि नवी मुंबई पहुंचे कृति समिति के लोगों की मांग है कि एयरपोर्ट का नाम DB पाटिल के नाम पर रखा जाए, जिन्होंने इलाके के किसानों के लिए लंबे वक्त तक संघर्ष किया था। इस मुद्दे पर BJP भी कृति समिति की मांग का समर्थन कर रही है। वहीं इस पूरे मुद्दे में MNS नेता राज ठाकरे के सुझाव से भी विवाद बढ़ चुका है।
राज ठाकरे की मांग है कि बाला साहब ठाकरे और डीबी पाटिल के नाम को छोड़कर एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा जाए। सौबात की एक बात यह कि नवी मुंबई का एयरपोर्ट अभी बना नहीं है, वहां 2 साल से पहले उड़ान शुरू होने की उम्मीद भी नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट का नाम बाला साहब ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने का प्रस्ताव पास होते ही वहां सियासी संग्राम छिड़ गया, क्योंकि नवी मुंबई की पनवेल सीट से 5 बार विधायक रहे दिनकर बालू पाटिल के समर्थक हवाई अड्डे को उनका नाम दिए जाने पर अड़ गए, जिन्होंने नवी मुंबई के लिए जिन किसानों की जमीन ली गई उनके मुआवजे की लंबी लड़ाई लड़ी थी। उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार हुई बारिश के बाद निकली धूप भी सुकून लेकर नहीं आई, वहां कुछ जगहों पर पहाड़ खिसकने की घटनाओं ने लोगों की मुश्किलें फिर बढ़ा दी, जिसकी कुछ तस्वीरें बद्रीनाथ हाईवे से भी सामने आई, जहां से दिन में हजारों गाड़ियां गुजरती हैं वो रास्ता पहाड़ खिसकने से ठप पड़ गया। हुआ यूं कि अचानक हाईवे के किनारे मौजूद पहाड़ों का मलबा नीचे गिरने लगा। पहले तो मिट्टी के साथ छोटे छोटे पत्थर पहाड़ से खिसकते हुए सड़क की तरफ आते दिखे। पहाड़ से गिर रहे मलबे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो झरने से मटमैला पानी बह रहा हो। इतने में अचानक उसी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा लुढ़कता हुआ हाईवे पर आ गिरा। ये सब देखकर पहले ही कुछ लोग एहतियात बरतते हुए आगे नहीं बढ़े, जो घबरा गए। देख बंद कर गई। थोड़ी सांस ली ही थी कि पहाड़ का एक और बड़ा हिस्सा आकर सड़क पर गिर गया, जिसके बाद हाईवे पर मलबे का अंबार लग गया और आगे जाने का रास्ता बंद हो गया। सारे इलाके में धूल ही धूल उड़ने लगी। हो गया भाई बंद। वहां से काफी देर तक थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरती रही, हालांकि बाद में हाईवे से मलबे को हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। लेकिन सिर्फ बद्रीनाथ हाईवे पर ही लोगों की परेशानी लोगों को नहीं उठानी पड़ी। पिथौरागढ़ में पहली बरसात के बाद हुई तबाही ने कई परिवारों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि उन जगहों पर ऐसे पहाड़ खिसके कि उन्होंने उनमें रहने वाले लोगों के सिर से छत ही छीन ली। पहाड़ों का मलबा ऐसा गिरा कि ये पता लगाना भी मुश्किल हो गया कि कभी वहां पर खुशहाल परिवार रहा करते थे। दीवार, दरवाजे, घर में मौजूद सामान, सब कुछ मलबे में बदल गया। हालांकि इस बीच जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों की मदद का भरोसा दिया, 3-4 दिन के अंदर उनको सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। केवल मकान ही नहीं, कई पुलों का इन घटनाओं के बाद नामो निशान तक नहीं बचा। सड़कों पर दरारें आ गई, कई जगहों पर रास्ते गायब हो गए, और कहीं बचे भी तो इतने संकरे और उबड़ खाबड़ कि वहां से पैदल निकलना भी मुश्किल है। जहां तक नजर गई वहां तक तबाही का मंजर ही दिखाई दिया। कुछ इलाकों में तो पहाड़ों के खिसकने से लोगों को अपनों की जिंदगी बचाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि मलबा फैलने से जगह जगह रास्ते बंद हो गए और मरीजों को अस्पताल तक ले जाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिसकी कुछ तस्वीरें पिथौरागढ़ के ही एक इलाके से सामने आई, जहां पहाड़ के खिसकने के बाद सड़क के नाम पर संकरा और खतरनाक रास्ता बचा। वहां सड़क टूटकर खाई में गिर गई, जिसके बाद एक लड़का अपनी मां को पीठ पर लादकर पैदल ही अस्पताल की तरफ दिक्कतों का सामना करते हुए बढ़ता रहा। अस्पताल पहुंचने के लिए उसे 8 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना था, यानी एक तो मुश्किल हालात, फिर बीमार माँ और फिर जान को खतरे में डालकर पथरीले रास्ते पर आगे बढ़ना। एक तरफ पहाड़ थे तो दूसरी तरफ खाई। जरा सा पैर लड़खड़ाया नहीं कि एक नहीं 2 जानों पर बनाए, लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी और सब चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी माँ को अस्पताल पहुंचाया। सौबात की बात है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली समेत 3/4 पहाड़ी इलाकों में मानसून अब विनाश का संकेत बन गया। जहां पिछले 5 दशक में पहाड़ की मिट्टी खिसकने और चट्टान टूटने की घटनाएं करीब 4 गुना बढ़ गई। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को वैक्सीनेशन की रफ्तार 3 गुना बढ़ाने की सलाह दी। न्यूज 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है, सोनिया गांधी ने कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस बार बच्चों पर ज्यादा खतरा है, इसलिए टीका लगाने की मुहिम को 3 गुना तेज करने की जरूरत है, ताकि साल के अंत तक देश के 75% लोगों को वैक्सीन लगा दी जाए। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को निर्देश दिया कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए वो लगातार केंद्र पर दबाव बनाते रहें। उत्तराखंड में चमोली जिले के बैनोली गांव के लोग वहां हुई बारिश के बाद से दहशत में रहने को मजबूर हैं। वजह है गांव का नदी किनारे बसा होना। उन्हें डर है कि ज्यादा पानी बरसने पर पूरा का पूरा गांव नदी में डूब जाएगा, क्योंकि इस बार वहां जो बारिश हुई उसमें पूरे गांव को खाली करा लिया गया। वहां बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने से आने जाने का जो रास्ता था वो भी पानी में समा गया। बारिश में एक परिवार के मकान का बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया। इन हालात में उन लोगों का अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ जस का तस छोड़कर वहां से भागना मजबूरी बन गया। पूरा का पूरा गांव खाली करा दिया गया है। ये सामने जो आपको दिख रहा है, ये छत पूरी की पूरी नीचे आ चुकी है, क्योंकि जो मकान था वो पानी में बह गया।
गांव वालों को वहां के एक सरकारी स्कूल में शिफ्ट किया गया जहां पर गुजारा करना मुश्किल है। गांव पूरी दहशत में जी रहा है और लोग ऐसे मजबूरी में जी रहे कि लोग वहां भी लाइट की व्यवस्था नहीं हो पा रही। जिस दिन बारिश के बाद ऐसे हालात बने, अपने घर को छोड़ने से पहले लोग जितना सामान वहां से समेट कर ले जा सकते थे वो वहां से ले गए, लेकिन ये सब कितना मुश्किल था गांव वालों ने आप बीती सुनाई। रास्ता इधर से वो तो बह चुका था, आने का कोई रास्ता था नहीं, फिर हम जैसे तैसे कर यहां से निकले। वहां मौजूद ज्यादातर मकानों के अंदर के हालात देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन लोगों पर आफत टूटकर पड़ी उन पर क्या बीती होगी। अब वो वहां लौटने की आस भी छोड़ चुके हैं। गांव वालों का सामान उनके मकानों में तितर बितर पड़ा है। सौबात की एक बात है कि चमोली जिले से पिंडर नाम की नदी गुजरती है जो पिंडली ग्लेशियर से निकलती है, और उसी ग्लेशियर के नीचे बड़ी चट्टान खिसकने से इस साल फरवरी में वहां भारी तबाही मची थी, जिसके बाद से ही आशंका जताई जा रही थी कि बारिश के मौसम में चमोली के गांवों पर आफत टूट सकती है, जिसकी मार बैनुली जैसे लगभग डेढ़ दर्जन गाँवों के लोग झेल रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 44वीं एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के CMD मुकेश अंबानी ने 5G तकनीक वाला जियो का नया फोन लॉन्च करने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने इस AGM में कोरोना संकट के दौरान कंपनी की उपलब्धियों को भी गिनाया और बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी का मुनाफा 53,000 करोड़ से भी ज्यादा रहा। जिस 5G फोन को लॉन्च करने का ऐलान इस AGM में किया गया उसे जियो ने गूगल के साथ मिलकर बनाया है। इस फोन को जियो फोन नेक्स्ट नाम दिया गया है। JioPhone Next is powered by an extremely optimized version of the Android operating system that has been jointly developed by Jio and Google specially for the Indian market. इसके अलावा मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के ग्रीन एनर्जी मेगा प्लान का भी ऐलान किया। उन्होंने बताया कि कंपनी इस योजना पर काम भी शुरू कर चुकी है। I am happy to inform you that we have started work on developing the Dhirubhai Ambani ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स ऑन 5,000 एकर्स इन जामनगर। कंपनी की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने ये भी बताया कि पिछले एक साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने करीब 75,000 नई नौकरियां दी हैं। और बहुत जल्द कंपनी के ग्लोबल प्लान का ऐलान भी किया जाएगा। इस AGM में जिस 5G फोन को लॉन्च किया गया वो 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन से बाजार में मिलने लगे। बताया गया कि JioPhone Next सबसे सस्ता स्मार्टफोन होगा और इस फोन में गूगल और जियो के सभी ऐप काम करेंगे। इसके अलावा AGM में मुकेश अंबानी ने बताया कि गुजरात के जामनगर में कंपनी का जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट बन रहा है उस पर अगले 3 साल में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज वैल्यू चेन पार्टनरशिप और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में करीब 15,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। कोरोना की दूसरी लहर से नक्सली भी नहीं बच पाए और कुछ बड़े नक्सलियों के इस महामारी से मारे जाने की खबर सामने आई है। न्यूज 18 के आदित्य राय की खबर है कि हाल के दिनों में करीब 12 से ज्यादा नक्सलियों की मौत कोरोना की वजह से हुई, जिनमें नक्सली नेता भरत अक्का और नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य हरिभूषण भी शामिल। लेकिन इससे पहले हरिभूषण की मौत के पीछे फूड पॉइजनिंग को वजह बताया गया, जिसे बस्तर IG पी सुंदरराजन ने नकार दिया और बताया कि हरिभूषण की मौत कोरोना से हुई। इतना ही नहीं, सुरक्षा बल के निशाने पर चल रहा नक्सली हिडमा कोरोना से बीमार बताया जा रहा है, और इसके अलावा नक्सलियों के 5 और बड़े नेताओं के भी कोरोना से बीमार होने की खबर है। कोरोना संक्रमण की परिस्थिति CPO मोदी के रस में काफी भयानक एवं खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। इसको देखते हुए CPO मोदी संगठन के किसी प्रकार का रैली जुलूस या मीटिंग इत्यादि कार्यक्रम में शामिल ना हो। मध्य प्रदेश के रीवा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां मंदिर में शादी करने के बाद एक दुल्हन को विदा कराकर ले जा रहे दूल्हे की पिटाई कर दी गई। दोनों ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, जिससे लड़के के घर वाले नाराज थे। ऐसे में जब उन्हें लड़के के मंदिर में शादी करने की खबर मिली तो वो भी वहां आ धमके। फेरे लेने के बाद लड़का दुल्हन के साथ स्कूटर से जाने लगा, तभी उसके भाई और उसके साथियों ने उन्हें घेर लिया। दूल्हे को स्कूटर से उतार कर उसकी जमकर पिटाई की गई। बताया गया कि इस दौरान दुल्हन के साथ भी हाथापाई की गई। देखो मार रहे हैं, देखना अभी। एक आदमी उसके साथ धक्का मुक्की करता दिखाई दिया। पति जब उसे छुड़ाने पहुंचा तो उसे भी घेर लिया गया। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। बाद में दूल्हा और दुल्हन ने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई। वो नाखुश थे उसकी इस तरह की शादी से, तो उन्होंने अपने भाई के साथ मारपीट की थी। हालांकि पुलिस ने दुल्हन के साथ मारपीट किए जाने की खबर को खारिज कर दिया। सौबात की एक बात है कि देश का कानून बालिग लोगों को अपनी पसंद से शादी करने की इजाजत देता है, लेकिन परिवार और समाज के गले ये बात नहीं उतरती कि कोई लड़का या लड़की अपनी मर्जी से शादी करे। और रीवा में तो हद होगी, जहां दूल्हे के घर वालों ने सारी गलती दुल्हन की मानकर उसे बीच रास्ते पीटना शुरू कर दिया।